कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड फिटनेस। सो गाइस, आज मैंने द्राल थॉट पिकर से कुछ पार्सल जो है वो परचेज़ किया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। सो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो देखते हैं कि कितना ओरिजिनल होता है द्राल डॉट पीके से शॉपिंग करना। तो मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे बाय किया है ये हेलो किटी वालों के मेकअप ब्रश, ठीक है। तो अब मैं इसको ओपन करती हूँ कि किस तरह से हमें ये ब्रश मिले हैं, क्या वाकई ही वैसे ही हैं जैसे मैंने बाय किए थे। तो इसकी पैकिंग जो है वो तो बहुत ही खूबसूरत सी लग रही है, छोटी सी स्मॉल सी इसकी पैकिंग है। तो अब इसमें ब्रश देखते हैं कि वो किस तरह से होते हैं। तो इस तरह से हम इसको ओपन करेंगे। वाओ, ब्यूटीफुल कलर, कलर तो बहुत ही खूबसूरत से हैं। और बाकी हम ब्रश देखते हैं निकाल के, क्या उतने ही ब्रश निकले हैं इसमें से? ब्रश तो उतने ही हैं लेकिन बहुत ही स्मॉल, और जैसे लाइक बेबी ब्रश होते हैं उस टाइप के ब्रश हैं। अब मैं इसको यूज़ करूँगी तो ही पता चलेगा कि ये एटलीस्ट सही भी निकले हैं या नहीं, ठीक है। तो इसका रिव्यू जो है मैं आप लोगों के साथ वीडियो बना रही हूँ, अब मैं इसको यूज़ करके भी आपको बताऊँगी कि मुझे ये कैसे लगे हैं। सो गाइस, फिर मैं आपको यूज़ करके भी इसका रिव्यू दूँगी कि आप क्या इसको बाय कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। बाद में मैं इसकी प्राइस भी और सब कुछ आपको मैंशन कर दूँगी। सो यूज़ करने के बाद मैं वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगी, आपके साथ शेयर करूँ कि ये प्रोडक्ट किस तरह के निकले हैं, मतलब क्या आप लोगों को द्राल डॉट पीके से ऑनलाइन शॉपिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो गाइज, मैंने जैसा मंगवाया था प्रोडक्ट वैसा सेम ही प्रोडक्ट निकला है, ठीक है। एक तो इनकी पैकिंग जो है वो बहुत अच्छी लगी है मुझे, सबसे पहले पैकिंग जो है वो बेस्ट है, सेफ्टी रहती है। उसके अलावा मैंने कुछ ब्रशेज़ जो हैं वो यूज़ किए हैं, ये देखें आप, जैसे कि देखें ये वाला ब्रश यूज़ किया मैंने, ये वाला ब्रश यूज़ किया है और ये वाला ब्रश भी यूज़ किया मैंने और एक ये वाला ब्रश यूज़ किया, ठीक है। ये चार ब्रश यूज़ किए मैंने और इट्स बेस्ट। जो मतलब जिस प्राइस के लिहाज से अगर बात करूँ तो प्राइस के लिहाज से ये बेस्ट हैं, जैसे मतलब रीज़नेबल प्राइस में ये मुझे मिले थे, तकरीबन 250 के ये मुझे ब्रशेज़ जो हैं वो 3, 4, 5, 6 एंड 7 ब्रश जो हैं वो मुझे 250 में मिले हैं, और रीज़नेबल प्राइस में अच्छे ब्रश हैं। अगर आप मेकअप स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपको मेकअप नहीं करना आता, मतलब आप सीख रहे हो, तो ये बेस्ट ब्रश हैं रेगुलर यूज़ के लिए। तो अगर आप इससे अच्छे ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करी थी। सो गाइज, होपफुली वीडियो जो है वो मैं लंबी नहीं करना चाहती, मैंने आप लोगों के साथ बस ब्रश जो है वो यूज़ करके वीडियो बनानी थी। तो आई थिंक मैंने 3 हफ्ता पहले वो जो है वो वीडियो पहले जो अपलोड की है, सॉरी इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने एक हफ्ता पहले बनाया था। मैंने सोचा था कि अपने व्यूज़ के साथ मैं ब्रश जो है वो यूज़ करके और क्या एक मतलब रिज़ल्ट देते हैं ये ब्रश, तब मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। सो गाइज, मैंने इनके साथ 3-4 आईज मेकअप किए हैं, खुद के किए हैं, तो मुझे अच्छे लगे हैं ब्रश, ठीक है। आप इसके साथ बहुत हैवी मेकअप नहीं कर सकते हो, लेकिन लाइट में मतलब रेगुलर यूज़ के लिए जो आप मेकअप करते हो तो उसके लिए ये बेस्ट है। सो गाइज, होपफुली आज की वीडियो जो वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।